हंसी और खुशी छाई है चारों ओर। देखो आया मोगली आया, करे हंगामे और मचाए वो शोर। इतने सारे हिरण, मजा आ गया। इन्हें छोड़ना मत, मुझे बहुत भूख लगी है। हम सबको बहुत भूख लगी है मोगली, कोई गलती मत करना। मुझे मत समझाओ, गलती मैं नहीं तुम करती हो। बहुत दिनों से तुमने कोई शिकार नहीं पकड़ा। तुमने पकड़ा है क्या? नीचे बैठो मोगली, वो देख लेंगे। जल्दी बैठो। अधियो, और तेजी से पीछा करो। ठीक है, तैयार। ये शिकार तो हट गया। कहा मेरे सामने तुम कूदी थी लाला, और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब उसका क्या होगा? सारी गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुई है पेटू, और वो भी ऐसे समय पर जब हम सब बहुत भूखे हैं। मोगली ने भी बहुत परेशान किया है आज। क्या कहा? मुझे माफ कर दो, भूख के मारे मुझसे हिला ही नहीं गया। चुप करो तुम, सब गड़बड़ कर दी और घर जाकर मोगली के बच्चे के साथ खेलो। इस पेटू ने गड़बड़ कर दी सब। इसे शिकार पर लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। अच्छा, ऐसे मदद करते हैं? बस अब चुप करो, शिकार निकल गया, चलो घर चलो। क्या ये सब पेटू के कारण हुआ है? मुझे भी लग रही है तुम्हारी वजह से सब हुआ। पेटू, उस आलसी पेटू के कारण अच्छा खासा शिकार हाथ से निकल गया। क्या सच में? हा? तुम सारा दोष पेटू को मत दो। क्या मतलब? उस पेटू की ही वजह से सारा शिकार हमारे हाथ से चला गया। अगर तुम पेटू की जगह होते तो क्या तुम्हें ये सुनना अच्छा लगता मोगली? नहीं, कभी नहीं। पेटू ने पूरी कोशिश की होगी। तुमने कभी सोचा है शिकार ना मिलने पर भी सरपंच ने उसे क्यों नहीं डांटा? नहीं। तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो, तुम्हें अपने दोस्त पेटू का साथ देना चाहिए था। अगर वो शिकार नहीं कर सकता तो क्या हुआ, घर का काम कर सकता है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन घर का कौन सा काम वो कर सकता है? पेटू, हम बाहर जा रहे हैं, बच्चों का ख्याल रखना। जरूर। चलो पेटू, खेलते हैं। बच्चे उसके साथ खुश रहते हैं। बच्चों की देखभाल के लिए कभी कभी अच्छे शिकारियों को भी घर पर रहना पड़ता है। पेटू के घर पर रहने से बाकी सब शिकार पर जा सकते हैं।
और तुम ये मत भूलो वो तुम्हारा दोस्त है मोगली। दोस्त? हाँ, दोस्ती ही सबसे बड़ी चीज है। तुम्हारे पिता के कितने दोस्त थे ये मैं गिनवा भी नहीं सकती। पिताजी, अभी तुम्हें पकड़ता हूँ। हंस रहे हो? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कहाँ भाग रहे हो? बहुत चालाक बनते हो पिंदू, जाओगे कहाँ? बहुत भूख लग रही है, लगता है भूख से मर जाऊंगा। छोटा सा खरगोश बहुत बढ़िया लग रहा है। कुछ गड़बड़ है, कहाँ चला गया वो? खरगोश ऐसे गायब नहीं हो सकता। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? खरगोश और पेड़ पर? मैं खरगोश नहीं हूँ, लाल पांडा हूँ। पहले कभी नहीं देखा तो अब देख ले बुड्ढे। शर्म नहीं आती मुझे बुड्ढा बोलते हुए? मैं एक समझदार भेड़िया हूँ। मैं तो बस हंसी छेड़ा। भेड़िये से मस्ती नहीं छोड़ूंगा। लगता है भेड़िये यहाँ नहीं रह सकते। मेरा एक दोस्त भी भेड़िया है, वैसा भेड़िया कभी नहीं देखा होगा। हाँ, मैं उससे मिलना चाहूँगा। क्या नाम है उसका? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त मोगली है। वो मोती का बेटा है। मोती का बेटा? नहीं, मुझे मत मारो, मैं रास्ता भूल गया हूँ। बचाओ! क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वो फिर से वापस आएंगे, बेहतर होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। रुको दोस्त, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम मोती है, अगर कभी महानदी की तरफ आओ तो हमारा झुंड तुम्हारा स्वागत करेगा। चलता हूँ मेरे दोस्त, अलविदा। मुझे बताओ, मोती कहीं पास में ही रहता है क्या? हाँ, लेकिन मोती अब हमारे बीच में नहीं है। अफसोस हुआ। भेड़ियों का झुंड उस चट्टान के पीछे रहता है। मुझे दुख है कि मैं मोती से नहीं मिल पाऊंगा। हाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी तक एक भी हिरन दिखाई नहीं दिया। अब हमें छोटे जानवरों का शिकार करना चाहिए। भूल जाओ, सुबह